वेलकम टू माई न्यू वीडियो। तो आज मैं हूँ मेरी यूनिवर्सिटी में, जो कि है क्लीवलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी। तो आज मैं आपको मेरी यूनिवर्सिटी का टूर दूंगी और साथ में आपको बताऊंगी कि मैंने इस यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन ली। तो अभी मैं हूँ मेरे कॉलेज के बस स्टॉप में। ये जो है ना, वो कॉलेज का बस स्टॉप है। ये है बॉम्बे चाट, ये देखो, ये है बॉम्बे चाट। बॉम्बे चाट में ना इंडियन खाना मिलता है, जैसे कि पाव भाजी, बटर नान, रोटी, सारी इंडियन चीज़ें यहाँ पर मिलती है। तो ये है मेरे कॉलेज का मेन एंट्रेंस, ये है मेरे कॉलेज का मेन एंट्रेंस और ये है स्टूडेंट सेंटर। तो अभी हम यहाँ पर जाते हैं। मैं आई हूँ अभी कॉलेज में और ये है स्टूडेंट सेंटर जहाँ पर मैं हूँ। और ये मेरे पीछे जो है वो है स्टोर, कॉलेज का स्टोर। यहाँ पर सारी चीज़ें मिलती है। ये है स्टूडेंट सेंटर, यहाँ पर आपको कुछ भी डाउट हो, स्टूडेंट को कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो यहाँ पर आके आप पूछ सकते हो। ये यहाँ पर बैठने की जगह है, यहाँ पर बहुत लोग डिस्कशन वगैरह करते हैं या फिर आपको लेक्चर में गैप है तो यहाँ पर आप बैठ के टाइम पास कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें लैपटॉप और वाईफाई फ्री में मिलता है जब तक कॉलेज में है तब तक। ये कंप्यूटर एक, ये है हमारी क्लीवलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी की, ये है हमारी यूनिवर्सिटी। और ये जो है अभी हम यहीं से आए हैं, ये है स्टूडेंट सेंटर और ये है कंप्यूटर साइंस वाला डिपार्टमेंट और यहाँ पर ये है लाइब्रेरी। तो चलिए अभी चलते हैं लाइब्रेरी में। तो ये है लाइब्रेरी की एंट्री और यहाँ पर एंट्री करने के लिए हमारा कार्ड ऐसे रखना होता है। तो ये अभी डोर ओपन हो गया। ये है लाइब्रेरी का मेन एरिया हेल्प डेस्क, यहाँ पर हम कुछ भी इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी से रिलेटेड पूछ सकते हैं। और यहाँ पर बैठने के लिए जगह है और ये ग्रुप स्टडी का सेंटर है। अभी मैं हूँ लाइब्रेरी में और लाइब्रेरी भी बहुत बड़ी है, इसमें 3-4 फ्लोर है। तो अभी हम ग्राउंड फ्लोर पे है और यहाँ पर है कंप्यूटर लैब। तो यहाँ पर वैसे तो यहाँ पर बहुत सारी कंप्यूटर लैब है पर ये एक मेन है लाइब्रेरी के अंदर। तो यहाँ पर आके आप कंप्यूटर पे कुछ भी सर्च वगैरह कर सकते हो या फिर प्रिंट आउट वगैरह फ्री में निकाल सकते हो। ये है पीने का पानी और यहाँ पर है ये सैनिटाइज़र। तो ये रही हमारी मेन लाइब्रेरी कंप्यूटर लैब। रही स्टडी रूम, तो अभी हम जा रहे हैं लिफ्ट से सेकंड फ्लोर पे जहां पर बुक्स का सेक्शन है। तो अभी मैं हूँ लाइब्रेरी में बुक सेक्शन में। आपने देखा वो कंप्यूटर लैब थी, यहाँ पर बुक्स है बहुत सारे बुक्स है। यहाँ पर आप यहाँ पर बायोलॉजी से लेकर कंप्यूटर साइंस, लॉ, हर तरह की बुक आपको मिलेगी। और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, मतलब कहाँ पर कौन सी बुक है, कौन से फ्लोर पर जाना है, तो यहाँ पर हर फ्लोर पर हेल्प डेस्क होता है तो उनको आप जाके पूछ सकते हो। देखो ये पढ़ाई करने का सेक्शन, यहाँ पर स्टडी टेबल है और ये लाइब्रेरी के अंदर ही है। तो ये है साइलेंट स्टडी रूम
और यहाँ पर ना बाहर हम पढ़ाई कर सकते हैं और हम मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पर। हमें अगर मोबाइल वगैरह यूज़ किया तो वार्निंग आती है कि आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो करके, और फिर यहाँ पर बाहर का कुछ आवाज़ नहीं आता और आप अच्छे से शांति से पढ़ाई कर सकते हो। और ये सब कुछ फ्री में अवेलेबल है यहाँ पर। ये है बर्कमैन हॉल और यहाँ पर ना कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के लेक्चर होते हैं। यहाँ पर मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस, जो भी मास्टर्स करते हैं कंप्यूटर साइंस में, यहाँ पर ये बर्कमैन हॉल है। तो यहाँ पर सारे मोस्ट ऑफ द लेक्चर यहीं पर होते हैं। तो हम देखते हैं कि बर्कमैन हॉल कैसा है। तो ये जो है ना, ये है इनर लिंक। तो कॉलेज कैंपस बहुत ही बड़ा है, तो सारे बिल्डिंग एक दूसरे को ऐसे इनर लिंक से कनेक्टेड है। तो आप कौन से भी बिल्डिंग में कहीं से भी इनर लिंक के थ्रू दूसरे बिल्डिंग में जा सकते हैं। यहाँ पर है पापा जॉन्स, जहाँ पर खाने को मिलता है। ये कैंटीन जैसा ही है। ये हमारे कॉलेज का दूसरा कंप्यूटर लैब है, एनरोलमेंट सर्विस हेल्प डेस्क, और यहाँ पर है पार्किंग सर्विसेज हेल्प डेस्क। हमारे कॉलेज में जो भी एडमिशन करता है ना, तो उनको एक हमारे कार्ड पे स्टिकर मिलता है, जिससे आप पूरे क्लीवलैंड में कहीं पर भी बस में फ्री में घूम सकते हो। तो ये फैसिलिटी सारे कॉलेजेस नहीं देते, पर हमारे कॉलेज में ये फैसिलिटी मिलती जो है। ये मिनी बैंक है हंटिंगटन की। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड वगैरह मिलते हैं, लोन के लिए भी वहाँ पर लिखा है कि लोन वगैरह भी मिलता है, और यहाँ का ATM। और ये जो है ना, ये आपको जगह जगह पर ऐसे दिखेंगे, ये जो है सैनिटाइज़र है। ये है वेंडिंग मशीन, पर हमें कॉलेज में फ्री में ग्रोसरी मिलती है। सिटिंग एरिया, ये है ऑडिटोरियम। और अगर आप क्लीवलैंड स्टेट में एडमिशन लेते हो तो आपका ओरिएंटेशन इसी ऑडिटोरियम में होगा। तो हम देखते हैं कि ऑडिटोरियम अंदर से कैसा है। तो ये ऑडिटोरियम है, जहाँ पर ओरिएंटेशन होता है और लेक्चर भी होते हैं। तो ये देखो, अपने इंडिया में ना थिएटर जैसे होते हैं, सेम वैसा ही है, एग्जैक्ट वैसा ही। ये है हमारा कॉलेज का मैप, ये है कॉलेज का कैफेटेरिया। यहाँ पर लेक्चर शुरू है, ये है क्लासरूम। तो अभी हम जाके देखते हैं कि यहाँ के क्लासरूम कैसे होते हैं। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म नहीं होते, और आप वन पीस भी पहन के आ सकते हो, जींस टॉप भी पहन के आ सकते हो, या फिर घर के कपड़ों में भी आ सकते हो। कुछ ऐसा कपड़ों में कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं होता यहाँ पर। मैं फोर्थ फ्लोर पे हूँ, फोर्थ फ्लोर पे मेरा बर्कमैन हॉल में लेक्चर होता है। तो अभी मैं मेरा लेक्चर हॉल दिखाती हूँ कैसा है। तो अभी मैं मेरे लेक्चर में हूँ। तो ये है ऑडिटोरियम, यहाँ पर भी क्लासेस होती है। ये ऑडिटोरियम है, और वो छोटी क्लासेस वाला है जो मैंने आपको पहले दिखाया। तो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए मैंने सबसे पहले ना कंसल्टेंसी ज्वाइन की थी, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था कि एडमिशन कैसे करनी होती है, क्या करनी होती है। तो अगर आप कंसल्टेंसी ज्वाइन करते हो तो आपको बहुत अच्छे से हेल्प हो जाएंगे, वो सब कुछ गाइड करते हैं आपको, पर आप खुद से भी कर सकते हो। इसके लिए आपको दो एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, पहली तो है GRE और दूसरी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो कि IELTS, TOEFL, PTE, Duolingo जो है ना, वो सारी यूनिवर्सिटी में एक्सेप्ट होती है। IELTS ये जो है US के कॉलेज भी एक्सेप्ट करते हैं, PTE कुछ कुछ कॉलेज एक्सेप्ट करते हैं, कुछ कुछ नहीं करते हैं। और Duolingo ये तो अभी कोरोना के टाइम पे आई हुई एग्ज़ाम है, जो कि आजकल बहुत सारे कॉलेज में एक्सेप्ट हो जाती है, और ये बहुत ईजी होती है Duolingo टेस्ट। एक बार अगर दोनों भी एग्ज़ाम का स्कोर आ गया, उसके बाद आपको अपने कॉलेज का कट ऑफ देखना होता है, वैसे कॉलेज में अप्लाई करना पड़ता है। फिर आपको और फिर अप्लाई करने के लिए कॉलेज की वेबसाइट पे जाना होता है, वहाँ पर न्यू स्टूडेंट अप्लाई करना है, कौन से कोर्स के लिए क्या करना है, सब कुछ इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है, SOP और LOR बनाने होते हैं। वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, तो वो कंसल्टेंसी वाले हेल्प कर देते हैं, या फिर आपको बहुत सारे LOR
SOP के एग्ज़ाम्पल जो पैटर्न हैं वो आपको नेट पे सर्च करने पे मिल जाएंगे। उसके बाद फिर आपको अप्लाई करना होता है, फिर वेट करना होता है कॉलेज के रिस्पांस का। फिर कॉलेज की तरफ से आता है कि आपकी एडमिशन अप्रूव हो गई है या रिजेक्ट हो गई है। अगर अप्रूव हो गई है तो फिर आपको कोई कोई कॉलेज डायरेक्ट I-20 भेज देता है, या फिर आपको अप्रूव होने के बाद I-20 के लिए रिक्वेस्ट करनी होती है। फिर I-20 मिलने के बाद आप वीज़ा इंटरव्यू दे सकते हो, और वीज़ा इंटरव्यू के बाद अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो गया तो आप यहाँ इस कॉलेज में आ सकते हो। मैंने आपको बता दिया कि आपको अगर अमेरिका के कॉलेज में मास्टर्स करना है तो एडमिशन कैसे करनी होती है। तो चलो अभी बाकी के कॉलेज का टूर जल्दी से खत्म करते हैं। ये स्टेयर्स है और आप एलिवेटर से, मतलब लिफ्ट से भी ऊपर आ सकते हो। देखो हर जगह ऐसे सिटिंग एरिया होता है, तो यहाँ पर भी सिटिंग एरिया है, वहाँ पर भी है। ये देखिए यहाँ पर यूनिवर्सिटी की तरफ से लॉकर भी है, और इसका प्राइस यहाँ पर लिखा है देखो $10 पर सेमेस्टर। तो आपको $10 देने होते हैं पर सेमेस्टर के लिए। तो आप यहाँ पर बुक्स वगैरह अगर कैरी नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आप रख सकते हो। ये देखो यहाँ पर भी लॉकर है और वहाँ पर भी लॉकर है। दो टाइप के आपको क्लासरूम दिखाए, तो ये है तीसरे टाइप का लेक्चर हॉल। तो अभी देखते हैं यहाँ पर कैसा है अंदर से। है इनर लिंक, मैं इनर लिंक से जा रही हूँ फेन हॉल में। वहाँ पर ना सारे प्रोफेसर के ऑफिसेस है, तो आपको भी कुछ डाउट रहा और प्रोफेसर से कुछ बात करनी है, या फिर अपने कोर्स के एडवाइज़र भी वहाँ पर होते हैं, तो उनके ऑफिस और में जाके उनसे बात कर सकते हैं। तो अभी हम फेन हॉल देखेंगे। तो ये है प्रोफेसर के नाम और उनके रूम नंबर। ये सारे प्रोफेसर के ऑफिसेस है, देखिए ये सारे। ये बायोलॉजी डिपार्टमेंट। तो अभी मैं जा रही हूँ रेक सेंटर, वहाँ पर जिम, स्विमिंग पूल वगैरह सब कुछ है, वो तो जाके देखेंगे ही। और अभी ये देखिए बाहर का व्यू। ये इस बस से मैं यूनिवर्सिटी में आती हूँ। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, तो ये है रेक सेंटर। अभी मैं रेक सेंटर में हूँ। ये देखो यहाँ पर पूल है, ये भी रेक सेंटर में है गेम। यहाँ पर टेबल टेनिस खेल सकते हैं, वहाँ वो एक्सबॉक्स का है, और यहाँ पर ये बास्केटबॉल का है। देखो यहाँ पर लोग खेल भी रहे हैं। ये है बैडमिंटन खेलने के लिए। तो अभी मैं जा रही हूँ सेकेंड फ्लोर पे। ये बास्केटबॉल कोर्ट, ये अभी दूसरा बास्केटबॉल कोर्ट है। और यहाँ पर देखो पीछे ये जिम है, बहुत बड़ा जिम है। तो अभी हम जिम देखते हैं। क्रॉसफिट एरिया में आई हूँ। जिम शॉप, तो ये अभी हम आए हैं स्विमिंग पूल एरिया में। ये कॉलेज के अंदर ही आता है। आपको मेरे कॉलेज कैंपस की मेन चीज़ें दिखा दी है। वैसे यहाँ पर मेरा कॉलेज ना बहुत बड़ा है, तो सारी चीज़ें अगर मैं दिखा दूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपको मेरे कॉलेज का टूर कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू, बाय।